हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल शक्करपारे की रेसिपी। तो ये शक्करपारे बनाना बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे आवाज़ सुन सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लाते हैं वैसे ही शक्करपारे हमारे बनने वाले हैं, और एकदम मुँह में डालते ही घुल जाने वाले हैं ये शक्करपारे बनने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। तो एकदम खस्ता शक्करपारे बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा 1 कप मैदा। तो इसी कप से मैंने 1 कप मैदे को मेजर कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप दूध और 1/4 कप घी। जो घी और दूध है उसका जो मेजरमेंट है वो सेम है, 1/4 कप। तो चलिए शक्करपारे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पर एक बर्तन को चढ़ाया है, गैस की फ्लेम लो कर देनी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध, और हमने जो 1/2 कप पिसी हुई चीनी ली थी वो हम इसमें पूरी डाल देंगे। अब हम इस दूध और चीनी को अच्छे से मिला देंगे। तो हमें इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट तक ही हमें इसे पका लेना है, जब तक कि जो चीनी है वो दूध में अच्छे से घुल जाए, या फिर हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक पका सकते हैं। तो 1 मिनट बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चीनी है वो दूध में अच्छे से घुल गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने जो यहाँ पे 1 कप मैदा लिया था, हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसे मैदे में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी को मैदे में डाल दिया है। तो ये गर्म होता है इसलिए हमें इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। तो जब ये घी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम चम्मच को हटा देंगे और हम इस मैदा और घी को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमने जो चीनी और दूध का मिश्रण बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए हम इसका एक सख्त डो बना लेंगे। तो इस दूध और चीनी को हमें थोड़ा थोड़ा करते ही डालना है। हम जैसे रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं उतना सॉफ्ट डो हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल जो डो है वो सख्त होना चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये डो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से मसल लेंगे और इसकी जो है वो एक लोई बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त ये डो है, ऐसा ही डो हमें चाहिए। तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं उतना पतला नहीं बेलना है, इसकी जो है वो मोटी रोटी हमें बना लेनी है। तो अब हम इसे साइड से कट कर लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर शेप में मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे शक्कर पारों को स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने शक्कर पारों को कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे सभी शक्कर पारे बन के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो शक्कर पारों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें शक्कर पारे डालेंगे। गैस की फ्लेम हमें एकदम लो कर देनी है। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बाद हम शक्कर पारों को पलट देंगे। इसे फ्राई करते वक्त हमें गैस की फ्लेम जो है वो हाई नहीं करनी है, या फिर मीडियम भी नहीं करनी है, लो फ्लेम पे ही हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलर आया है शक्कर पारों को। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे।
आप चाहो तो आप इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखकर उस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली इसमें ही निकाल रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे शक्करपारे बनके तैयार हो गए हैं। अब जो हमारे बचे हुए शक्करपारे हैं उसे भी हमें इसी तरह से लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे भी बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसे भी सेम छन्नी में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी शक्करपारों को फ्राई कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे शक्करपारे बनके तैयार हो गए हैं। इसमें मैंने इसे ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम लेयर्स वाले शक्करपारे यहाँ पे हमारे बन गए हैं। एकदम खस्ता मुंह में डालते ही घुल जाने वाले शक्करपारे बनके हमारे तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार में जैसे मिलते हैं वैसे ही हमारे शक्करपारे बन गए हैं। तो आप भी इस शक्करपारे की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।